स्टैच्यू ऑफ कुरवन कुर्ती। और ये प्लेस का नाम है रामाकल मेडू, देख सकते हैं आप। और विंड टरबाइन भी है इस साइड में, जो यहाँ से विजिबल नहीं है भाई कैमरा। और ये है स्टैच्यू, काफ़ी हाई एरिया में है, तमिलनाडु यहाँ से बहुत पास में है। ये जो एरिया दिख रहा है ये तमिलनाडु साइड का एरिया है, अभी हम केरला में हैं। लेकिन और वहाँ से हम आ गए हैं इस पहाड़ी पे, और हमारे टीममेट्स के कुछ एक्सपीरियंस पूछना चाहेंगे। हाँ, ये है अनस सर। अनस सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सुपर। कोई थकावट? कुछ नहीं। हाउ द जोस? माइंड ब्लोइंग। और कैसा रहा आपका सफर सुदर्शन भाई? बहुत बढ़िया, अभी आगे और चढ़ने की उम्मीद है। चलो चलो चलो। और आगे और जोश हम को जोश हम प्रेफर करते हैं वॉकिंग। और ये हमारे जयशंकर भाई हैं, पहाड़ी के ऊपर नेटवर्क का लुत्फ उठाते हुए। अच्छा नेटवर्क मिल रहा होगा यहाँ पे। और ये हम हैं, कहाँ गया कैमरा स्विच? और ये हम हैं, और ये हमारे हाथ में डंडा है, और हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। सबके हाथ में कुछ ना कुछ मिलेगा। आपके हाथ में कुछ है? ये हमारे हाथ में फोन है, और हम फोटो खींच रहे हैं। चलो चलो जयशंकर, आ जा। बा 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 बा। और यहाँ से सामने दिख रहा है, या देखिए जूम करके, ये विंड टरबाइन है इधर, पूरा बिल्कुल क्लीन दिख सकता है। और फिर से आप ट्रैकिंग का फर्स्ट टेबल हमने पार कर लिया है। हाँ सर, असम असम किस लिए इधर भी आना? ये हमारे सेकंड लेवल की ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये हमारे ट्रैकर्स हैं साथ में। एक ट्रैकर आगे पहुंच गया, और एक ट्रैकर देखिए हुए आगे जाते हुए। कितना जीनियस ट्रैकर नहीं देखा हमने कभी। तो हम चारों ट्रैकर एक साथ। नेक्स्ट हमारा प्लान है माउंट केटू, और नेक्स्ट हमारा प्लान है माउंट केटू जाने का, चारधाम जाने के लिए। उसके बाद एवरेस्ट जाएंगे? नहीं, उसके बाद वो पॉसिबल वी विल गो टू अगस्त्यारकूडम माउंट कैलाश, और वन ऑफ द हार्डेस्ट। उसके बाद हम ओलंपिया जो वो है आल्प्स माउंट है आल्प्स नहीं ओलंपिया सर, वो अपने यहाँ पे नहीं है, दूसरे प्लेनेट पे, वहाँ जाएंगे। हम जुपिटर के भी पहाड़ चढ़ने वाले हैं। हाँ, वो तो। और आप देख सकते हैं हम कितना ऊपर आ गए। मून अभी किसी को ट्रेनिंग दे रहा है इंजन, ये सारो मून जाने के लिए। नहीं हाँ, दे रहे हैं रशिया में हम लोग, अभी एयरफोर्स के बंदे हैं। ट्रैकर बना और जी कौन सा गया, उसका डीजी भी हो गए। ट्रैकिंग इतना आसान नहीं है, देखो एक बिहार का बंदा है, आप देख सकते हैं काफ़ी हाइटेड है, ज़्यादा अल्टीट्यूड है, बट ट्रैकिंग का अपना मज़ा है। जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो हम अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अगर हम गाड़ी में जाएंगे तो हम वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सांसें फूली हुई है पूरी बुरी तरह, कितने नीचे से आ रहे हैं हम लोग। और ये बहुत ही अच्छी ट्रैकिंग करते हुए, और फिर भी हमारे हमारे जवानों का जज्बा ठंडा नहीं पड़ा है। हमारे जवान आप भी आगे बढ़ते हुए, आप इधर सुदर्शन भाई को देख सकते हैं, और अनस सर, और हमारे सीनियर मोस्ट वॉकिंग एक्सपर्ट, ट्रैकिंग एक्सपर्ट, पूरा एनर्जी स्टोर करके अभी जयशंकर भाई पूरा एनर्जी स्टोर करके चलते हैं, और ये यूज करते हैं जब पीक आता है।
जयशंकर लेकिन चालू बहुत है यार, बहुत ही अच्छी रणनीति अपनाते हुए। बहुत अच्छी रणनीति। ऐसी रणनीति अगर हर युवा अपनाए तो भविष्य में बहुत कामयाब हो सकता है। एमएनपीएल का डायरेक्टर बनाएंगे। उधर खड़ा खड़ा हूँ, खड़ा होके सोच रहा था इधर तक कैसे आएगा। और हम पहुंच गए हैं अपने मंजिल पर, देख सकते हैं आप। और ट्रैकिंग के लिए ऐसी टीम, ट्रैकिंग करना कोई आम बात नहीं है, आसान बात नहीं है, और मेन है ट्रैकिंग करने के लिए ऐसी टीम होनी जरूरी है जिसमें, जीप वाले के पास पहुंच गया, जिसमें अगर कोई एक नेगेटिव आदमी भी हो तो तीन पॉजिटिव होने चाहिए। जीप वाला यहीं है, देखिए जीप से पहले हम आ गए हैं। और ये हमारा, ये देखिए कितने ऊंचाई पे हम, और ये पहाड़ी पे, और ये हमारे टीम के जवान, और टीम के जवान का जोश देखिए आप, देखिए पूरा पसीने में तर बदर लेकिन जोश अभी भी जिंदा है। और ये हमारे सुदर्शन भाई नीचे आराम से वाव, देखिए एक बार, हाँ कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, इधर आ जाइए चलेंगे, पकड़ लीजिए तरफ, सुदर्शन जा सकते हैं, मतलब आदमी जा सकते हैं, जयशंकर को भेजेंगे, वो जीरो साइज है। और देखिए ऐसे ऐसे पहाड़ियों का सामना करते हुए हम आए हैं यहाँ पे, बारिश में यहाँ बहुत तेज पानी गिरता है। और इस जगह का नाम क्या है, नाम बताएंगे? आमाकल मेडू। दे दो फोन, दे दो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, आइए ये हमारा डंडा हमारा साथ देते हुए। रेडी? ओके। बिठाना की कितना तीर्थ है, तेरे बुद्धि मोटे हैं, आराम से जैसा निकल गया उधर। जीरो फिगर होने का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है सुदर्शन भाई, ध्यान रखना। हाँ फंस गया, जो फंस जाएगा ना भाई साहब उसको घुटन नहीं हो जाएगी सारी। आए निकल जाऊंगा सुदर्शन भाई, और मेहनत करिए, और मेहनत। आराम से सर बचा के चलो। जाऊं? हाँ। ये दिक्कत है यार, रोलिंग करते जाना, इसमें ना बीच में मत गिर जाना। अरे हाँ, बीच में गिरे तो फिर गए बाबा। इधर देख। ओ गॉड। स्टार्ट करिए। रेडी? एक मिनट। और हम कैसे पहाड़ी है रे? और थोड़ी बहुत जगह है यहाँ पे। आइए बहुत अच्छे वीडियो आ रहे हैं। सर भाई आराम से सर बचा के चले। अब कहाँ जाना है? मेरी बहुत टफ है। अरे आराम से ऊपर पीठ, आराम से इधर से निकली। अनुज सर रह गए पीछे। हाँ सर, एक मिनट आया मैं। ओह गॉड। असल एडवेंचर
लेट के पूरा लेट के और हमारे सर पकड़ो उनको इसको नहीं उनको आने दो आने दो आराम से सर थोड़ा सा और लड़के कुछ भी नहीं ओके आराम से पीठ नहीं उठाना है आराम से आना है मगरमच्छ की तरह अभी उठना नहीं और ये फाइनली आ गए हैं हमारे यहाँ सर और डर पे जीतते हुए तो कैसा रहा अंदर का पूरा माहौल और ये है विंड टर्बाइन ये देखने में जितना छोटा लग रहा है उससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और आई थिंक ये वाला ख़राब है और इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गूगल पे ले सकते हैं क्या और ये हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा बहुत मज़ा आया हमने एंजॉय किया एडवेंचर के स्पेशल हमने एडवेंचर ज़्यादा किया और वॉकिंग हमने ट्रैकिंग एंड वॉकिंग बहुत ज़्यादा किया है यहाँ पे करीबन 7-8 किलोमीटर से ऊपर वॉकिंग कर लिया और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वॉकिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्सप्लोर करने का किसी चीज़ को अगर आप चाहेंगे सोचेंगे कि नहीं हम गाड़ी से आए तो गाड़ी से एक्सप्लोर क्या करेंगे आप गाड़ी रोकने के लिए दिक्कत है फिर